इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर में क्षति को ज्ञात करने की विधि। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है, परीक्षण की जाती है। इसमें दो तरह के परीक्षण आते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो ये आयरन लॉसेस को ज्ञात करने के लिए की जाती है, केवल आयरन लॉसेस को। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे क्या कि जैसे कि ट्रांसफार्मर में दो साइड होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो किसी भी एक साइड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड में एक साइड को के दोनों सिरे को ओपन रखते हैं तथा दूसरे को इसमें कनेक्शन देते हैं, जिसमें कि वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो आइधर आप प्राइमरी साइड इधर रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं, कोई भी साइड यूज हो सकता है सप्लाई देने में, कनेक्ट करने में। चाहे प्राइमरी को खुला इधर करके रखिए, सप्लाई सेकेंडरी में दीजिए, और चाहे सेकेंडरी को खुला रखिए, प्राइमरी को सप्लाई दीजिए। तो यहाँ पे प्राइमरी को सप्लाई दिया गया है, सेकेंडरी को ओपन रखा गया है। तो इस मेथड में जो वाट मीटर है, जो वैल्यू शो करेगा, वो आयरन लॉसेस को दर्शाएगा। ठीक है, तो आयरन लॉसेस को दर्शाएगा जो वाट मीटर जो भी वैल्यू को शो करेगा, वो वैल्यू होगा आयरन लॉसेस। ठीक है, आयरन लॉसेस। और ये आयरन लॉसेस जो होता है बहुत ही कम होता है, जिसको नेग्लिजिबल, नगण्य भी माना जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के जो दो साइड होते हैं, एक होता है लो वोल्टेज साइड, एक होता है हाई वोल्टेज साइड। तो इसमें लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर दिया जाता है और हाई वोल्टेज साइड को सप्लाई से कनेक्टेड किया जाता है। जिस प्रकार से ओपन सर्किट टेस्ट में कनेक्ट किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ किया गया। और यहाँ पे वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर लगाया गया। बात उठता यह है कि यहाँ पे LV साइड को ही शॉर्ट क्यों किया गया और HV साइड को ही सप्लाई क्यों दिया गया, ये फिक्स हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी टेस्ट करने के लिए सप्लाई देना होता है, सप्लाई वोल्टेज देना होता है, वो जो है सहूलियत से वो वोल्टेज उसको प्राप्त हो जाए, इसलिए इधर HV साइड जो है यूज किया गया है, सप्लाई साइड में HV साइड यूज किया गया। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर LV साइड को अगर हम यूज़ करते हैं, तो जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो उस वाइंडिंग के वोल्टेज रेटिंग के 5% वैल्यू को ही अप्लाई किया जाता है। तो 240 का 5% करते हैं तो 12 वोल्ट AC सप्लाई देना होता। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं कि अवेलेबल वोल्टेज नहीं, सही से आसानी से प्राप्त होने वाला वोल्टेज नहीं है, इस कारण से LV साइड को सप्लाई ना देकर HV साइड को सप्लाई दिया गया। अब देखिए, HV साइड का मानते हैं कि रेटिंग 3000 वोल्ट है, तो इसमें हमको जो सप्लाई वोल्टेज देना है वो इसका 5% होना चाहिए। तो इसका 5% करते हैं तो हम लोग का कितना आता है, सपोज कुछ ये यहाँ पे HV वाला ये 5000 है, 5000 है तो इसका 5% करते हैं तो कितना होता है, 250 वोल्ट आता है। 250 वोल्ट हम आसानी से सिंगल फेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और उसको सप्लाई देकर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा जो है LV साइड को शॉर्ट रखा जाता है, HV साइड को सप्लाई दिया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। अब इस टेस्ट के द्वारा जो होता है हमको
कॉपर लॉस का पता चल जाता है, ताम्र क्षति का पता चल जाता है, ठीक है, ताम्र क्षति का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से आपके ट्रांसफार्मर में क्षति ज्ञात करने की विधि जो होती है, ये दो विधि होती है, टेस्ट होती है, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट से आयरन लॉस प्राप्त होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस प्राप्त होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।